सित्ता में रवायत मौजूद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर के लिए तशरीफ़ लेकर के गए तो दो जरनैल किस्म के सहाबा घुड़सवार तीरंदाज पीछे रह गए। उनको बाद में पता चला कि वहाँ तो ये तो गए थे ना एक काफ़िले के लिए, लेकिन वहाँ जंग का माहौल बन गया, तो बाद में खबर आई कि वहाँ तो पोजीशन जंग की बन गई। अब ये दोनों सहाबा दौड़े हुजूर के साथ जिहाद करने के लिए। जब ये वहाँ पहुँचे तो पहली मुलाकात अबू जहल से हुई, उसने घेर लिया, उसके सिपाहियों ने समझ लीजिए गिरफ्तार कर लिया। कहने लगे कहाँ जा रहे हैं? तो इन्होंने कहा हुजूर की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। जंगी तदबीर भी होती है ना, आप अगर अपनी तैयारियां कर रहे हैं, फौज मशकें कर रही हैं, तो हम दुश्मन को थोड़ा बताएंगे कि तुम्हारे लिए कर रहे हैं, जंगी तदबीर है। कहा जी ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। अबू जहल कहने लगा वादा करो, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम बड़े ज़बरदस्त घुड़सवार हो, वादा करो हुजूर के साथ शामिल होके हमारे मुकाबले में तो नहीं निकलोगे? ये दोनों कहने लगे हम वादा करते हैं, हम जंग नहीं करेंगे, ज़ियारत करेंगे। अब जब वहां पहुंचे ना हुजूर की बारगाह में, तो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक एक शख्स की यहाँ जरूरत है, वो 1,000 है, हम 313 हैं, और हैं भी वो सारे असले से लैस, हमारे पास अददी अक्सरियत भी कम है, असला भी थोड़ा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम आ रहे थे तो अबू जहल मिला था रस्ते में, उसने हमें रोक लिया, रोक करके कहने लगा कि तुम जंग लड़ने जा रहे हो। तो हुजूर हमने कहा नहीं, हम तो ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, मुलाकात के लिए जा रहे हैं। और हुजूर ये तो जंगी तदबीर थी, जब मैं बात करता हूं तो अपने लफ्जों में करता हूं ना, और जब आप बात करते हैं तो अपने लफ्जों में, हुजूर हमने कोई रुकना थोड़ी है, हम तो आए हैं जिहाद की नीयत से, वो तो हमने जंगी तदबीर की, उसको ये कहा। कहते हमने अपने लफ्जों में बात की पर हुजूर खामोश रहे। अर्ज की या रसूलल्लाह कुछ फरमाया नहीं, तो नबी पाक कहने लगे नहीं भाई तुम नहीं जंग लड़ सकते। अल्लाह करे आपको समझ आए, कहा आप नहीं जंग लड़ सकते। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया तुम वादा करके आए हो, और कंजुल माल में ये जुमले मौजूद है। एक सियाबी ने कहा हुजूर वादा तो काफिर के साथ किया है, तो महबूब फरमाने लगे खामोश हो जाओ, वादा काफिर से किया है, किया तो एक मोमिन ने है ना, और मोमिन कभी झूठा? देखे ना अजीब चक्कर है ना, मोमिन कहता है जी नहीं जी मुझे ये सौदा जी पड़ता ही 10,000 में, और फिर 4,500 का बेच देता है। भई आप कल तो कुछ और कह रहे थे, आज आप कुछ और कह रहे हैं। मोमिन हो और झूठ बोले, गलत बात करे, दरोगोई से मुजहरा करे, और इस कदर ज्यादा। अब तो लोगों ने झूठ बोलने का तरीका सीखा है, नाम बदला है, कहते हैं जी मैंने बहाना कर दिया था। और भाई तू साफ कह मैंने झूठ बोला था, तो साफ बात कर। झूठ सिखाया जाता है, ट्रेनिंग होती है। सुबह जब सेलमैनों को ट्रेन किया जाता है तो मालिक बताता है तुमने आने वाले को शीशे में कैसे उतारना है। याद रखो मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के जुमले हकीकतों के करीब। हुजूर ने फरमाया मैं ये नहीं कहता कि तुम झूठ बोल के माल बेचोगे तो तुम्हारा माल नहीं बिकेगा, ये नहीं कहता। फरमाया झूठ बोल के माल बेचोगे तो माल तो बिक जाएगा। तवज्जो करें मेरी बात पे, क्या अर्ज कर रहा हूं। हुजूर फरमाने लगे झूठ बोल के बेचोगे बिक जाएगा माल, माल बिकेगा पर उसमें बरकत नहीं रहेगी, उसमें बरकत। ओ भाई अब तो ये हाल हो गया है कि लोग कहते हैं झूठ के बगैर काम ही नहीं चलता। अस्तगफिरुल्लाह माज़ अल्लाह, इस कदर दूर चला गया मुसलमान के झूठ के बगैर तो चलता ही नहीं जी, गुजारा ही नहीं।